हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ लखनऊ का चिड़ियाघर, लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन। तो चलिए शुरू करते हैं, कम ऑन। लखनऊ जू आल्सो नोन एज नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये बहुत ही पुराना चिड़ियाघर है जो कि 1921 में ओपन हो गया था और 71.6 एकड़ में फैला हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है। यहाँ पे लगभग 1000 किस्म के आपको जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। चिड़ियाघर का टिकट आपको पर पर्सन 85 रुपीज में मिल जाएगा। और अगर बच्चों की बात की जाए तो 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों का टिकट आपको 40 रुपीज में मिल जाएगा। एंड चिड़ियाघर के अंदर अगर आप कुछ खाने पीने के लिए लाते हैं तो आप किसी टिफिन में लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक बैन है तो आप प्लास्टिक की चीज़ें नहीं ले जा पाएंगे। बॉटल, पानी की बॉटल भी अगर आपको लेके जानी है तो आप प्लास्टिक की नहीं ले जा सकते हो। एंड टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चिड़ियाघर खुला रहता है एंड मंडे के दिन क्लोज रहता है। आपको जगह जगह मैप और बोर्ड दिख जाएगा, तो जो भी आपको देखना है आप पहले वहां जा सकते हैं। हम तो सबसे पहले देखने लायन आ गए एंड मजा आ गया यार। कभी लकी होते हो ना आप तो बड़े आराम से आपको लायन दिख जाता है। एंड सी, दिस इज वाइट टाइगर, बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये भी हमें बड़े आराम से दिख गया। लखनऊ जू में 3 वाइट टाइगर हैं, ये देखिए कितने मजे से आके खड़ा हो गया है। एंड नाउ टाइगर, बारिश के बाद ना हल्की धूप निकली है तो ये आके बैठ गया है, लग रहा है धूप खाने के लिए। आपको गेट पे इस तरीके से मैप दिखेगा तो आपको जो पहले देखना है आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो टाइगर देखने के बाद, लायन देखने के बाद, यू नो, अब हम यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है बट बोटिंग हमें नहीं करनी थी यहाँ पे। एंड ये देखिए चिड़ियाघर का सबसे टॉलेस्ट एनिमल जिराफ। एंड ये है सारस पक्षी। आपको यहाँ पे जो भी एनिमल है या जो भी बर्ड्स है उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ बोर्ड पे मिल जाएगा। एंड अगेन हम आ गए लायन देखने के लिए एंड इस बार हमें दो दो लायन दिख गए। आप देखिए एक उस तरफ बैठा हुआ है। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ लेपर्ड। लेपर्ड हमको थोड़ा सा दूर से दिखा, आई मीन कभी कभी आपकी लक होती है तो वो बिल्कुल पास से आपको दिख जाता है वरना दूर से। एंड ये है मगरमच्छ। सो गाइस, चलिए अब मैं आपको सांप घर की तरफ यानी कि स्नेक दिखाने के लिए लेकर चलती हूँ। ये देखिए कितना ह्यूज पाइथन है। पता है मुझे सांप देखना और लायन देखना बहुत पसंद है चिड़ियाघर में। आपको क्या पसंद है प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिए।
तो अब ना चलते चलते हम लोग थोड़ा थक रहे थे, तो आपको वहाँ पे चिड़ियाघर में आप अपना कुछ खाने के लिए भी ला सकते हैं। एंड वहाँ पे बहुत सारी आपको कैंटीन्स भी मिल जाएंगी, तो कैंटीन में आपको स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए बहुत प्यारा सा पार्क है, बिल्कुल सांप घर के सामने ही है ये। तो यहाँ पे बहुत सारे झूले वगैरह एंड कार्टून वगैरह मिल जाते हैं यहाँ बच्चों को। आप चाहें तो टॉय ट्रेन से भी घूम सकते हैं। टॉय ट्रेन का टिकट आपको 25 रुपीज पर पर्सन मिल जाएगा, बच्चों का शायद 10 रुपए लगता है। साउथ का फीलिंग आ रहा है। जब भी आप चिड़ियाघर आइए तो बहुत सारा टाइम निकाल के आइए, बिकॉज अगर आप सब कुछ घूमने लगेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है एंड थोड़ी थकान भी होने वाली है, बिकॉज काफी ज्यादा चलना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा टाइम लेके ही आइएगा। एंड आजकल का मौसम तो बहुत सही है जाने के लिए, बिकॉज काफी सारे एनिमल्स आपको बाहर दिख जाएंगे। तो ये देखिए मोर हमको बिल्कुल रास्ते में ही दिख गया था, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यार। बहुत सारी बर्ड्स और पैरट वगैरह देखने के बाद आप तितली पार्क भी जा सकते हैं, 20 रुपए का टिकट मिलता है। तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाइज भी देख सकते हैं। सो गाइज, लखनऊ का ये जूलॉजिकल गार्डन यानी कि ये चिड़ियाघर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 70 एकड़ में फैला हुआ है। यू नो पूरा दिखाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट हम लोगों ने थोड़ा ट्रेन से घूमा और थोड़ा नॉर्मली पैदल घूमा। आप दोनों तरीके से घूम सकते हो, अगर आपको चलने का शौक है तो आप चल चल के देख सकते हैं, पैद और ट्रेन में बैठ के भी देख सकते हैं, दोनों में मजा आया। एंड बीच बीच में यू नो बारिश भी हो गई तो मौसम काफी अच्छा था, बहुत मजा आया। गाइज आप लोग भी आइए एंड मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को लखनऊ का चिड़ियाघर कैसा लगा।